सांबर एकदम मस्त बनी है। देहर कथा कह तो हे गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल अभी सुबह को 7:30 बज रहा है, बस मैं बैठ के गेलू को पढ़ा रहा हूँ। ये देखिए गेलू बैठ के पढ़ाई कर रहा है, तो देखिए गेलू बैठ के पढ़ाई कर रहा है और साथ में भाभी यहाँ पर पूजा करने के लिए थोड़ा झाड़ू लगा रही है घर को और अभी पूजा करेगा और मम्मी बैठ के वहाँ पर साग बाँच रही है, तो दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए, तो देखिए तो मम्मी बैठ के ये पुई पत्ता का पुई वाला साग है, ये देखिए पुई साग, तो इसमें थोड़ा थोड़ा वो फूल आ चुका है। ये देखिए तो ये बीज है, पुई का बीज है एकदम, ये हरी हरी बीज है, इस खाने में बहुत मजा आता है। तो देखिए कितना बढ़िया बढ़िया, तो आइए देखिए कितना सुंदर साग है ये, तो आज बनेगा, इसे साग बनाएंगे। देखिए हमारा घर का जो ऊपर जो बैठा है, छत के ऊपर जो पानी का टंकी बैठा है, उसे भी साफ करेंगे आज, क्योंकि बहुत सारा वो कीचड़ हो गया है, मतलब खराब हो गया है अंदर से, तो उसे थोड़ा साफ करेंगे। तो साफ करने के बाद जाए, हाँ गेलू को भी लेके चलेंगे, गेलू अभी पढ़ाई कर रहा है। अभी हम यह हमारा बाड़ी है, तो हम जा रहे हैं आगे वाला बाड़ी में, तो जमीन के पास जो हमारा जो बाड़ी है आगे, तो वहाँ पर चलेंगे, तो वहाँ पर देखेंगे। बहुत दिन से पानी नहीं हमने दिया है, बहुत दिन से पानी चराया नहीं, क्योंकि पानी चराया था जो वो हो गया 10-12 दिन हो गया। अभी जाएंगे थोड़ा बाड़ी में देखेंगे, तो हमारा जो पौधा है वो ठीक है कि मुरझा गया, तो देखने चलेंगे अभी, क्योंकि अगर मुरझा जाता है तो 3-4 बजे पानी लगाना पड़ेगा। तो चलते हैं अभी, तो फिलहाल पहुंच चुके हैं बाड़ी। ये देखिए हम पहुंच चुके हैं, तो ये हमारा ताटी है, ये हमारा ताटी है, चलिए निकालते हैं। और यहाँ पर बांधा हुआ है, ये देखिए, तो बाबूजी ने यहाँ पर बांधा हुआ है, तो रस्सी बांधा हुआ है, निकलते हैं। देखिए कितना साग आई है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, तो बहुत ज़्यादा साग आई है। ये देखिए कितना साग आई है, एकदम फूल जैसा साग, देखिए कितना साग है, देखिए कितना साग है, तो कितना बड़ा बड़ा हो चुकी है साग। ये देखिए ये बैंगन का जो पौधा लगाए थे, इसमें भी फूल आने लगी है। ये देखिए तो छोटा छोटा फूल आई है, यहाँ पर भी फूल है, तो सारा छोटा छोटा पौधा में भी फूल आ चुकी है। ये मिर्ची का पौधा लगाए थे, देखिए मिर्ची का भी फूल आ गया है। ये देखिए कितना फूल आई है मिर्ची का, तो इस साइड गोभी वगैरह लगी है, तो ये देखिए तो गोभी भी आ चुकी है। देखिए ये हमारा फूल गोभी, देखिए कितना सुंदर सुंदर छोटा छोटा फूल गोभी आई है। ये देखिए तो यहाँ पर एक फूल गोभी, तो सारा फूल गोभी यहाँ पर आई है। ये देखिए तो यहाँ पर ये रहा उल गोभी, ये देखिए ये रहा उल गोभी, देखिए बढ़िया सुंदर है ये, यहाँ पर एक भी कीड़ा नहीं लगी। ये देखिए तो ये सूख चुका है, ये देखिए मिट्टी एकदम सूख चुका है, थोड़ा थोड़ा नमी है और पानी लगाना पड़ेगा, चराएंगे पानी इसके ऊपर। देखिए टमाटर का भी फूल आ चुकी है, सारा चीज़ में फूल आ चुकी है,
बस आज कल सुबह चराएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा नमी है, मतलब इतना नमी तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा पैर दब रहा है, मतलब थोड़ा नमी है। देखिए टमाटर भी, यहाँ पर भी टमाटर आ चुके हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर बैंगन भी है। ये जो बैंगन है तो पिछले साल लगाए थे, ये दो पेड़ बची है, देखिए ये एक और ये वाला एक, ये दो पेड़ बची है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा बैंगन में आती है, ये देखिए बैंगन, ये दो चार बैंगन इसमें भी आई है। तो जाने का टाइम यहाँ से लेके चलेंगे। तो मैं थोड़ा आया था पानी देखने के लिए, सूखी की नहीं कि नमी है, तो थोड़ा थोड़ा नमी है अभी, बस कल सुबह चराएंगे पानी। देखिए इस साइड एकदम बंजर जमीन, तो सारा धान कटाई हो चुकी है। लोग भी ये जो छोटा छोटा पूंजी दिख रहा है, तो देखिए तो वहाँ पर जो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पूंजी दिख रहा है, तो ये सारे लोग पिटाई करके ले चुके हैं, धान को पीट के ले चुके हैं। बस ये जमीन, सारा जमीन खाली हो चुका है, ये देखिए एकदम सारा जमीन एकदम बंजर जमीन जैसा दिख रहा है। सारा धान कटाई हो चुकी है और पिटाई भी हो चुकी है। जो हमारा जो घर है उस साइड है, तो गाइस मैं छत के ऊपर आ चुका हूँ। बस ये देखिए हमारा पानी टंकी, तो ये 1000 लीटर का टंकी है। तो अभी इसके अंदर घुसेंगे और घुस के इसे साफ करेंगे, दिखाएंगे आप लोगों को कितना ज्यादा खराब है। देखिए पानी का जो मतलब केमिकल भाग होता है ना, इसकी वजह से थोड़ा इसके अंदर थोड़ा सीवड़ी लग चुका है, तो थोड़ा ग्रीन ग्रीन भी हो चुकी है। तो दिखाते हैं आप लोगों को। तो देखिए इस तरह का थोड़ा लग चुकी है सीवड़ी, तो इसे आज साफ कर लेंगे। फिलहाल मैं टंकी के अंदर घुस चुका हूँ, ये देखिए बिल्कुल भी नहीं आ पा रहा हूँ, ये देखिए। तो अभी अंदर घुसूंगा, दीजिए दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे साफ करेंगे टंकी। देखिए हमारा टंकी ज्यादा खराब नहीं हुआ है, ठीक है। तो बस अभी उसे घिसाई करेंगे और साफ करेंगे। तो फिलहाल मैं टंकी के अंदर हूँ, ये देखिए। चलिए, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा पानी है, अगर हमारा गिर जाएगा तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो चलिए साफ करने के बाद दिखाते हैं आप लोगों को। तो फाइनली टंकी साफ कर चुका हूँ, तो दिखाते हैं आप लोगों को। तो अब एकदम साफ कर दिया है हमने टंकी को, ये देखिए थोड़ा अंदर का, अंदर का देखिए पूरा साफ कर दिया है हमने। बस चलिए अभी तो दोपहर हो चुकी है, आज दोपहर में एक स्पेशल चीज बनेगा। तो हमारा घर में पहली बार बन रहा है सांभर, तो भैया बनाएगा सांभर, तो आज खाएंगे सांभर के साथ राइस। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को, तो कैसे बनाते हैं सांभर। तो आज दोपहर में बनेगा सांभर। तो सांभर के लिए मम्मी ने वो जो ड्रमस्टिक है, जो बोलते हैं सज्जन का नाड़ी, तो इसे काट रही है। पंडेलो तार किसे लगी लो पानी। तो फिलहाल सांभर बनाने के लिए हरड़ दाल को हमने प्रेशर में अभी डाल रहा हूँ, देखिए ये धो के डाल रहा हूँ प्रेशर में। तो फाइनली हमारा सांभर बन चुकी है, देखिए कितना सुंदर बनी है सांभर। चलिए खाते हैं, भात के साथ खाएंगे। नाना
ସିଏ କାହିଁକି ଆଣିଲା ନା ତାର ସେ ସିଂହ ବାଲା ଚକୋଲେଟ୍ ତାର କହୁଛୁ କୁଡ଼ ରବ फिलहाल हमारा सांभर बन चुकी है, ये मेरा सांभर और सब लोग खा रहे हैं। अभी लंच का टाइम है तो अभी हम खाएंगे गेलुअर में। देखिए हमारा सांभर और भात पूरा एकदम रेडी हो चुकी है, साथ में आलू और कुंदरू का भजा। सांबर एकदम मस्त बनी है। ढेर कथा कह दो फिलहाल आज का ब्लॉग में इतना ही। फिर मिलते हैं एक मजेदार रेसिपी लेके मजेदार ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय जगन्नाथ।